देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। भारत में एक विधान, एक निशान और एक संविधान चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। महाराष्ट्र से 3 बार विधायक रहे विनायक मेटे की सड़क दुर्घटना में मौत। पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव। राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। एमएस धोनी के मेंटर बनने पर बीसीसीआई को एतराज। कहा इसके लिए पहले लेना पड़ेगा आईपीएल से संन्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आजादी का अमृत महोत्सव इन दिनों पूरा देश सराबोर है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु अपने गृह जनपद सिधौना में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारों को इस महोत्सव के से सम्मानित करने का काम किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि पूरा देश एक महोत्सव के झूम रहा है। क्या शहर और क्या गाँव, हर तरफ एक ही नज़ारा दिख रहा है। हर घर झंडा अभियान आज़ादी के 75वें वर्ष होने पर शहीदों को याद करने के लिए हर घर तक तिरंगे को पहुंचाने का जो लक्ष्य प्रदेश सरकार ने किया था, वो लक्ष्य पूरा होता नज़र आ रहा है। देखिए, क्या शहर, क्या गांव, क्या सामाजिक संगठन, क्या व्यापारी संगठन, स्कूल, कॉलेज, आज तो जैसे लग रहा है कि समूचा देश सड़कों पर है। और जो मुहिम है हर घर तिरंगा का, जो लक्ष्य है, आज इस देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव है। और इस देश के उन शहीदों को याद करने के लिए अपने इस तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया है, वो एकदम उनके सपने साकार होते जैसे दिख रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अनूप शहर के नगर पालिका परिषद में राष्ट्रीय चेतना मिशन की ओर से विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक सीपी सिंह और चेयरमैन अवंतिका उपाध्याय ने किया। इसके अलावा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय चेतना मिशन के संयोजक हेमंत सिंह ने बताया कि रक्तदान महादान है। वही सरकार के प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना काल में लोगों की मदद की, राशन बांटे, भोजन बांटा, उसी तरह से उनके अंदर भावना है, राष्ट्र भावना ही चंदा है। इसलिए सबको इन्होंने रूप सेवा के लोग आज रक्तदान कर अगर तो पीड़ित है, जो गरीब है, जो मृत्यु हो जाती है, सेवा के लिए पहुँचे वाला गरीब की सेवा का। बुलंदशहर के अनूप शहर में नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां देश के एक तरफ नमामि गंगे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के बड़े अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गंगा में गिर रहा है और गंगा तट पर शिव मंदिर स्थित है, जहाँ गंगा में हजारों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। खबर बुलंदशहर से है, अनूप शहर के नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां देश की एक तरफ नमामि गंगे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के बड़े अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गंगा में गिर रहा है और गंगा तट पर शिव मंदिर स्थित है, जहाँ गंगा में हजारों श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, तो वहीं गंगा को इस तरह से मैला किया जा रहा है। ये एक सोचने वाला विषय है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, गंगा में नदी में गंदा पानी गिर रहा है, इसको लेकर आपने प्रशासन के अधिकारियों से कोई बात करी? बता दूं मनीष जी, ये जनपद पुलिंग से क्या छोटी काशी अनूप शहर
का मामला है, जहाँ नाले का पानी गंगा में गिर रहा है, जहाँ जो पुजारी हैं वो चेयरमैन से बात करने गए तो चेयरमैन ने अब भाषा का प्रयोग किया था। जी विशाल, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा में पत्रकारों ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। एडीजी कार्यालय में ये यात्रा का शुभारंभ एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने हरी झंडी दिखाकर किया। एडीजी जोन ने आगरा के पत्रकारों के देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हुए उनकी प्रशंसा करी। इस दौरान आम नागरिकों ने भी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आजादी के 75वें साल की खुशी में नाचते झूमते दिखे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें पूरे देश, पूरे प्रदेश, आगरा जनपद में, जोन के सभी जिलों में लोगों में बहुत नागरिक, एनजीओज, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, पत्रकार, पुलिस, प्रशासन, सभी लोग इस अमृत महोत्सव के रंगारंग महोत्सवों में, कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज ही आगरा जोन में करीब 121 जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। समाज के हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक तबके के लोग इसमें शामिल होकर अपनी भावनाओं। बरेली में आज़ादी का अमृत महोत्सव हर तरफ मनाया जा रहा है। ऐसे में बरेली की सेंट्रल जेल में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहाँ पर जेल के अधिकारियों और जेल के साथ सजा काट रहे कैदियों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यालय के निर्देशानुसार हर कारागार को यह निर्देश प्रदान किया गया था कि 13 से 15 अगस्त के बीच स्वतंत्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के संबंध में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है। चूँकि उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपने बंदियों के मध्य कारागार परिसर में ही तिरंगा यात्रा को संपन्न किया। जो बंदी हैं, कैदी हैं, इन्होंने हिस्सा लिया, किस तरह का जज्बा दिखाई दिया इनके अंदर? बहुत अच्छा जज्बा, बहुत बढ़ चढ़ के देशभक्ति की भावना और नारों से। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने निर्देशन में पुलिस लाइन में वीर रस संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों और पुलिस परिवार के बच्चों ने वीर रस संध्या में भाग लिया। इसके तहत मनमोहक वीर रस की कविताओं और संगीत कार्यक्रमों का मंचन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद पूरे जनपद में क्रमबद्ध चरणों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में गोंडा के पूर्व जिला पंचायत राम उदार वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ धानेपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में मुख्य रूप से राम उदार वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कई लोग मौजूद रहे। लखनऊ में आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में रिजवी पुलिस लाइन परिसर में सांस्कृतिक वीर रस संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुलिस परिवार के सदस्य एवं बच्चों का द्वारा देशभक्ति पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। अलीगढ़ में कुछ दबंगों ने युवक को गोली मार दी है, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोली लगने से युवक जमीन पर गिर गया तो वहीं गोली की आवाज़ से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जब तक पुलिस पहुंची तब तक दबंग मौके से फरार हो गए थे। मौके पर पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के बेटे को हिरासत में ले लिया है। तो वहाँ पर धोखे से गोली मार दी उन्होंने, मतलब बात बात खत्म हो गई सब, वहाँ बैठे हुए थे, मैं लेटो खेल रहा था, वहाँ से गोली मार दी उन्होंने, धोखे से मारी। तीन लड़के थे, अजीम हैदर, वो अजीम और इमरान मुद्दी चीनी। आप कहाँ के रहने वाले थे? गौराबाद। तो ये खिचड़े की देव हो रही थी जी? खिचड़े की देव हो रही थी वहाँ जी? हाँ, वही हो रही थी। राजानगर में हरदोई में मामूली विवाद के चलते एक दबंग ने आक्रोश में आकर युवक के ऊपर बाइक से पेट्रोल निकालकर छिड़क दिया और आग लगा दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं आनन फानन में परिजनों ने उसे CSC में भर्ती कराया, लेकिन हालत चिंताजनक होने के कारण हरदोई में रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल युवक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
व्यक्ति अपने ससुराल गया था पगदौरा में, पाली का रहने वाला है। और जैसा मौके से ज्ञात हुआ है, कुछ लोग का कहना है जहाँ वो लोकल लोग हैं कि इसने पारिवारिक विवाद में स्वयं को ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लिया है। किंतु अभी मेरे द्वारा इससे वार्ता की गई है तो इसने बताया कि किसी विवाद में इसके साढ़ों ने पेट्रोल लगाया डाल के आग लगा रहा है। अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है, पूरा पड़ताल करके विधिक कार्रवाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बुलेटिन बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।